आज विजयादशमी के दिन हिंदू रीति रिवाज में रावण दहन करने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी संस्था के द्वारा रावण दहन कार्यक्रम किया जाता है, जो पूरे झारखंड में विख्यात है। लोग दूर दूर से ये देखने आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रावण दहन किया जाएगा, यह जानकारी पंजाबी हिंदू बिरादरी संस्था के प्रवक्ता अरुण चावला ने दी। कितने वर्षों से ये आयोजन हो रही है? ये पंजाबियों ने ही रावण दहन की शुरुआत की थी रांची में, और पंजाबी हिंदू बिरादरी पिछले 60 साल से यहाँ रावण दहन करती आ रही है, जो रांची के विभिन्न क्षेत्रों में पहले होता था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से फिर हमने वर्षों पहले यहाँ मोराबादी मैदान में शुरू किया, जो आज तक जारी है। तो पिछले 2 वर्षों तक आपने जो है कि कोरोना महामारी के चलते भव्य रूप से आयोजन नहीं हो पा रही थी, इस बार क्या कुछ खास है? इस बार पिछले वर्षों की तुलना में हम और भव्य कोशिश कर रहे हैं करने की कार्यक्रम को, चूंकि 2 वर्षों में कोई बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन नहीं हो सका था, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग जो हैं हजारों की हजार तादाद में जो है वो पूजा पंडालों में उमड़े हैं, तो वो उसके मद्देनज़र यहाँ भी भीड़ इस बार हमको लगता है कि पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारा भी तब ये फ़र्ज बनता है कि उनके मनोरंजन में, उनके जो है वो जिस यहाँ शौक से आ रहे हैं उसमें कोई कमी हम ना रखें। फिर हाइट के हम बात करें तो कितना हाइट के तीनों? 70 फीट का रावण है, 65 फीट का कुंभकर्ण है और 60 फीट का मेघनाथ है। इस बार कार्यक्रम करने के लिए कहाँ कहाँ से आप लोग ये लोग बुलाए? ना सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड के बाहर पश्चिम बंगाल से, बिहार से भी आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कलाकार आ रहे हैं।